बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड, एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड। देखिए जब भी आप मेमोरी ग्लैंड पढ़ते हो तो इस मेमोरी ग्लैंड की इंपॉर्टेंस क्यों है और इस पे जनरली क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो इसके मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं कार्सिनोमा रिलेटेड। जब भी आप ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्लिनिकल केस पढ़ते हो तो आपको हमेशा ज्यादातर जो क्लिनिकल क्वेश्चन होगा वो कार्सिनोमा या कैंसर ऑफ मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये जो कार्सिनोमा है इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझने जरूरी हैं कि आप जब उस क्लिनिकल केस को पढ़ रहे हो तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ब्रेस्ट में चेंजेस कार्सिनोमा की वजह से क्या क्या होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नॉर्मल ब्रेस्ट की बात करें तो वो फ्रीली मूवेबल होता है, ठीक है, वो फ्री मूव करता है ऑन द इंटीरियर चेस्ट वॉल, ठीक है, वो सॉफ्ट इनकंसिस्टेंसी होता है, ठीक है। लेकिन जब अगर आप कार्सिनोमा की बात करोगे तो वो फ्री से फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉफ्ट से हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। दूसरी चीज हम ये समझेंगे कि जब भी आप मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट टिश्यू पढ़ रहे हो तो कुछ टर्म्स हैं जो आपके सामने हमेशा आती हैं और जिनके ऊपर हमेशा आपको सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो वो हम पढ़ेंगे कि रेट्रो मेमोरी स्पेस ये क्या चीज होती है, ठीक है। ये चीज जो है इस मेमोरी ग्लैंड को फ्रीली मूव कराती है एंटीरियर चेस्ट वॉल पे, सो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज दिस रेट्रो मेमोरी स्पेस। दूसरा हम ये चेक करेंगे कि जो मेमोरी ग्लैंड है उस मेमोरी ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी हम मेमोरी ग्लैंड को कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। देन वी विल सी कि इसके अंदर एक काम आता है एक्सिलरी टेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो हम ये देखेंगे कि टेल क्या चीज होती है, ठीक है। इसके स्किन के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, निप्पल क्या होता है, एरियोला क्या होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसके अंदर एक फाइब्रस टिश्यू आपको मिलता है, वो फाइब्रस बैंड या टिश्यू या सेप्टा वो क्या चीज होती है, एंड उसका जो ग्लैंड पोर्शन है जो कि इसका मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, देन वी विल सी इसका जो ग्लैंडुलर पोर्शन है उसके क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। लास्टली वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आर्टरीज यानी ब्लड सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो आज के लेक्चर में हम इतना देखेंगे, आने वाले वीडियो में हम मेमोरी ग्लैंड का लिम्फेटिक ड्रेनेज सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स ए लॉन्ग टॉपिक एंड उसपे आपके पास समझने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। दैट इज योर एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स और कौन सा कंपोनेंट कहां पे जाके ड्रेन होता है, सो फॉर दैट वी विल हैव अ सेपरेट वीडियो। सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद दीज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। सो द फर्स्ट थिंग इज मेमोरी ग्लैंड इज ए मॉडिफाइड स्वैट ग्लैंड। ये क्या है, इट इज ए मॉडिफाइड स्वैट ग्लैंड, ठीक है। दूसरी चीज कि जब आप डिसेक्शन करते हो, व्हेन यू विल डू द डिसेक्शन ऑन द इंटीरियर चेस्ट वॉल वेयर यू विल फाइंड दिस मेमोरी ग्लैंड और दिस ब्रेस्ट टिश्यू, सो यू विल फाइंड दिस टिश्यू इन द सुपरफिशियल फेशिया। यानी अगर आप स्किन को हटाते हो एज सून एज यू विल रिमूव द स्किन ऑफ द इंटीरियर चेस्ट वॉल इन केस ऑफ द फीमेल you are having a large amount of the fatty tissue along with the glandular part and that is actually the memory gland, ठीक है। तो ये सबसे important चीज आपको याद रखनी है कि memory gland जो है ना वो superficial structure होती है ना कि deep, ठीक है। तो अब ये जो superficial structure है, superficial fascia के अंदर जो subcutaneous fat होता है उसके अंदर आपका memory gland develop हुआ, यानी ये this is your skin, क्लियर, ये ब्रेस्ट की स्किन, ठीक है। और इस स्किन के नीचे ये जो आपको टिश्यू दिख रहा है ये जो फैट है इन केस ऑफ द फीमेल इन पेक्टोरल रीजन, यानी चेस्ट वॉल जो एंटीरियर चेस्ट वॉल जिसको हम एनाटॉमिकल टर्म में बोलते हैं पेक्टोरल रीजन, सो उस पेक्टोरल रीजन के अंदर आपको ये स्किन के बिल्कुल नीचे जो फैटी टिश्यू है उसके अंदर उस सबक्यूटेनियस टिश्यू में आपको मेमोरी ग्लैंड मिलती है, ठीक है। यानी जो सुपरफिशियल फेशिया है वो यहां आएगा, क्लियर।
फेशिया और स्किन के बीच में जो मॉडिफिकेशन है, दिस इज योर मेमोरी ग्लैंड। क्लियर? अब ये जो मैं सुपरफिशियल लेयर है, इसके नीचे क्या आएगा? डीप लेयर आएगा। ठीक है, सो ये जो डीप फेशिया है, ये डीप फेशिया है। इस डीप फेशिया के नीचे यहां पे, इस के अंदर यहां पे डीप फेशिया के नीचे क्या आएगी? मसल आएगी। ठीक है, तो डीप फेशिया और सुपरफिशियल फेशिया के बीच में यहां पे आपके पास एक स्पेस क्रिएट हो गया। ये जो स्पेस है, ये स्पेस कहलाया रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मींस बिहाइंड। किसके बिहाइंड? मेमोरी ग्लैंड के। सो रेट्रो मेमोरी स्पेस क्या होता है? व्हाट इज रेट्रो मेमोरी स्पेस? रेट्रो मेमोरी स्पेस इज ए स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट इन फ्रंट और सुपरफिशियल टू डीप फेशिया। ये जो डीप फेशिया है, इस डीप फेशिया के आगे आपके पास ये स्पेस है, एंड दिस स्पेस अलाउ फ्री मूवमेंट। इस स्पेस में क्या होता है? इस स्पेस में आपके पास लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस स्पेस में क्या भरा हुआ होता है? विल हैव द लूज टिश्यू। ठीक है, सो ये जो लूज टिश्यू है वो इस स्पेस को फिल कर देता है, और इस स्पेस की वजह से मेमोरी ग्लैंड और द ब्रेस्ट इज मूवेबल ऑन द एंटीरियर चेस्ट वॉल और पेक्टोरल रीजन। ठीक है, तो पहली बात हमें समझ में आई कि मेमोरी ग्लैंड क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। दूसरी चीज, मेमोरी ग्लैंड इज मॉडिफिकेशन ऑफ द सुपरफिशियल लेयर, दैट इज सबक्यूटेनियस टिश्यू में हमें मिलता है। ठीक है, तीसरी चीज की नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू एंटीरियर चेस्ट वॉल पे मूवेबल होता है बिकॉज ऑफ दिस रिट्रो मेमोरी स्पेस। और ये रिट्रो मेमोरी स्पेस कहां है? इट इज इन फ्रंट ऑफ द डीप फेशिया एंड डीप टू दिस सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के बीच में लेयर होती है। ठीक है, ये जो रिट्रो मेमोरी स्पेस है, ये सिलिकॉन इम्प्लांट जो लगाए जाते हैं ब्रेस्ट के शेप को चेंज करने के लिए, वहां पे ये जो सिलिकॉन इम्प्लांट है, ये इस स्पेस में जो है लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रिट्रो मेमोरी स्पेस के बारे में बात हुई। दूसरी चीज हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड की। इस एंटीरियर चेस्ट वॉल में ये हमारा स्टर्नम है। क्लियर? सो स्टर्नम में ये मैनुब्रियम है, और मैनुब्रियो स्टर्नल जंक्शन पे आपके पास कौन सी रिब अटैच होती है? यहां पे विल हैव द अटैचमेंट ऑफ सेकेंड रिब। सो सेकेंड रिब अटैच ऑन द मैनुब्रियो स्टर्नल जंक्शन। यहां से सिक्स्थ रिब तक, यानी ये सेकेंड है, फिर यहां थर्ड आएगी, यहां फोर्थ आएगी, यहां फिफ्थ आएगी, यहां सिक्स्थ आएगी। तो ये जो सिक्स्थ रिब का अटैचमेंट है, तो सेकेंड टू सिक्स्थ रिब तक वर्टिकली आपके मेमोरी ग्लैंड का एक्सटेंशन होता है, क्योंकि जो मेमोरी ग्लैंड है उसका बेस कैसा है? सर्कुलर है। मेमोरी ग्लैंड का बेस कैसा है? सर्कुलर है। तो इसका जो बेस है, ये सेकंड से सिक्स्थ रिब तक वर्टिकली एक्सटेंड होता है इन मिड क्लेविकुलर लाइन। ये जो लाइन है, ये कौन सी होगी? मिड क्लेविकुलर लाइन। सो ये जो मिड क्लेविकुलर लाइन है, क्लेविकल का मिड पॉइंट है, इसको अगर आप नीचे तक ले जाओगे तो इस मिड क्लेविकुलर लाइन में सेकंड से सिक्स्थ रिब जो है, ये इसका वर्टिकल डायमीटर बनाता है इसके बेस का, सर्कल का। ठीक है, और इसका जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक होता है। ये इसका ये वाला डायमीटर है। ये लाइन कौन सी कहलाएगी? मिड एक्सिलरी लाइन। अब ये मिड एक्सिलरी लाइन कहां है? नाम में कुछ छुपा हुआ है, मिड ऑफ एक्सिला। एक्सिला का मिड क्या है? एक्सिला का मिड वो है जहां पे हमारी शर्ट की स्टिचिंग लाइन आती है। ठीक है, तो जो हमारी शर्ट की स्टिचिंग लाइन है, ये शर्ट की स्टिचिंग लाइन किसको कोरिस्पोंड करती है? इस एक्सिला के मिड लाइन को। सो द मेमोरी ग्लैंड इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लैटर पार्ट ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन अलोंग द फोर्थ रिब। अलोंग द फोर्थ रिब, तो ये रिब कौन सा है? फोर्थ रिब। क्लियर? तो जब आप इस मेमोरी ग्लैंड का बेस देखते हो तो वो सर्कुलर होता है, और उस सर्कुलर का एक्सटेंशन कैसे है? वर्टिकली। ये जो डायमीटर है, ये सेकंड टू सिक्स्थ रिब में है, और ये जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, ये लैटर बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेकर के मिड एक्सिलरी लाइन तक होता है अलोंग द फोर्थ रिब। सो दैट इज व्हाट इज अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे कि
Now we'll see the quadrants of memory gland. Now what are the quadrants of memory gland? कि इस पूरे मेमोरी ग्लैंड को अगर आप यहां पे अगर हम इस तरह से चार पार्ट में डिवाइड करें तो ये जो दोनों क्वाड्रेंट है ये क्या कहलाए इनर क्वाड्रेंट और ये दोनों क्वाड्रेंट्स क्या कहलाए आउटर क्वाड्रेंट. नाउ ये जो अगर आप हॉरिजॉन्टली डिवाइड करोगे तो ऊपर वाले कहलाए अपर क्वाड्रेंट ये कहलाए लोअर क्वाड्रेंट. सो ये क्या कहलाया अपर एंड इनर ये कहलाया अपर एंड आउटर दिस इज नोन एज लोअर एंड आउटर दिस इज लोअर एंड इनर क्वाड्रेंट. So there are four quadrants in the memory gland. One is known as this is upper and inner quadrant, or it is upper and medial quadrant. This is lower and inner quadrant, or lower and medial quadrant. This is known as lower and outer quadrant, or it is known as lower and lateral quadrant. It is known as upper and outer quadrant, or it is known as upper and lateral quadrant. ठीक है? So, इस तरह से इस पूरे मेमोरी ग्लैंड के कितने क्वाड्रेंट्स हैं? चार क्वाड्रेंट्स. ठीक है? अब जब आप ये एक्सिलरी टेल सुनते हो, when you see the word एक्सिलरी टेल इज an एक्सटेंशन ऑफ अपर एंड लैटरल और अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट. ये जो अपर एंड लैटरल या अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट है इस क्वाड्रेंट का एक एक्सटेंशन एक्सिला में होता है. ठीक है? सो जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो ब्रेस्ट टिश्यू डीप फेशिया को पियर्स करके एक्सिला में चला जाता है. देखिए अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो किसके ऊपर है वो है सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर ऊपर. ठीक है? लेकिन क्या होता है कि यहां पे जो अगर आप डिसेक्शन करोगे तो पहले आपने स्किन हटाया, स्किन के नीचे ये जो सबक्यूटेनियस फैट में मेमोरी ग्लैंड था इसको हटाया. इसको हटाने के बाद सुपरफिशियल फेशिया की जो मेमोरी थी वो हटाया, उसके पीछे आपने डीप फेशिया देखा. ठीक है? तो वो जो डीप फेशिया होता है उस डीप फेशिया का लैटरल एक्सटेंशन यहां एक्सिला में जब आता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सिलरी फेशिया और एक्सिलरी शीथ. तो ये जो डीप फेशिया है उसमें यहां पे एक छोटा सा गैप क्रिएट होता है, उस गैप के थ्रू ये इस तरह से प्रोजेक्शन हमारा ब्रेस्ट टिश्यू का एक्सिला में चला जाता है. ये जो टिश्यू है ये टिश्यू कहलाता है टेल ऑफ एक्सिला और इट इज आल्सो नोन एज टेल ऑफ स्पेंस. इट इज आल्सो नोन एज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. एंड ये जो गैप क्रिएट होता है डीप फेशिया में दिस इज नोन एज फोरामेन ऑफ लैंगर. फोरामेन ऑफ लैंगर. ठीक है? तो जब भी आप डीप फेशिया पढ़ रहे हो एक्सिलरी एरिया में तो आपको यह वर्ड सामने आता है व्हाट इज फोरामेन ऑफ लैंगर. फोरामेन ऑफ लैंगर कुछ भी नहीं है बट एक छोटा सा डीप फेशिया का गैप है, उस डीप फेशिया के थ्रू जो हमारा सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर जो ब्रेस्ट टिश्यू है ये डीप फेशिया के डीप में चला जाता है एंड इट विल एंटर इनटू द एक्सिला एंड दिस एक्सटेंशन इज नोन एज टेल ऑफ स्पेंस और एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट टिश्यू विच इज ए नॉर्मल टिश्यू. क्लियर? सो अब आपको यहां पे दो चीजें याद रखनी है कि ये जो दो टर्म है टेल एंड फोरामेन ये हमेशा हमें अपर एंड आउटर या अपर एंड लैटरल क्वाड्रेंट के एक्सटेंशन के टाइम ही यूज लेनी है. क्लियर? अब जो अगली चीज है जो आपके इस ब्रेस्ट टिश्यू में आती है वो है बैड ऑफ द मेमोरी ग्लैंड. यानी मेमोरी ग्लैंड किस स्ट्रक्चर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज बैड और इट इज आल्सो नोन एज डीप स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बैड ऑफ मेमोरी ग्लैंड. सो बैड ऑफ मेमोरी ग्लैंड में ये आपका एंटीरियर चेस्ट वॉल है. क्लियर? इस एंटीरियर चेस्ट वॉल में ये जो आपका स्टर्नम एंड ये एडजेसेंट रिब्स. नाउ व्हेन यू विल सी the muscles which are present on anterior chest wall, major portion is for the effan-shaped large muscle and this muscle is known as pectoralis major. What is this muscle? Pectoralis major. ठीक है? तो मसल हमें कहाँ मिलती है? मसल हमें हमेशा डीप फेशिया के नीचे मिलती है. ठीक है? तो अगर आप ये तो आप सामने से देख रहे हो आफ्टर रिमूविंग द स्किन. ठीक है? बट अगर आप इसको सरेटली काटो, ठीक है, इफ यू विल गिव द पैरामीडियन सेक्शन एंड अगर आप उसको साइड से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? ये आपका स्किन है मेमोरी ग्लैंड का. क्लियर? और
ये जो मसल है, ये मसल आपको पीछे पीछे दिख रही है, ये मसल है हमारे पास, ठीक है। इस मसल का क्या नाम है? पेक्टोरेलिस मेजर, ठीक है। ये पेक्टोरेलिस मेजर मसल है। इस पेक्टोरेलिस मेजर के आगे क्या होना चाहिए? मैंने अभी बताया कि ये जो मसल है ये डीप फेशिया के नीचे है, तो ये डीप फेशिया है, क्लियर। तो ये जो डीप फेशिया है, ये डीप फेशिया क्या कहलाता है? पेक्टोरल फेशिया, बिकॉज दिस फेशिया मेनली कवरिंग द मसल नेम इज पेक्टोरेलिस मेजर, दैट्स व्हाई दिस फेशिया इज नोन एज पेक्टोरल फेशिया, ठीक है। तो मैमरी ग्लैंड जो है वो किसके ऊपर लाया करती है, उसका बेड कौन बना रहा है? तो उसका बेड बना रहा है डीप फेशिया यानी पेक्टोरल फेशिया एंड द मसल्स विच आर डीप टू दिस फेशिया। सो इस फेशिया के नीचे मेजर मसल कौन सी है? पेक्टोरेलिस मेजर मसल, ठीक है। इसके अलावा देर आर टू मोर मसल, एक मसल जो होती है वो यहां पे है इस एरिया में, ठीक है, और ये फाइबर्स नीचे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जा रहे हैं एंड दिस मसल इज एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और ये जो पोर्शन बच गया, यहां पे एक मसल होती है और ये जो फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स स्कैपुला की तरफ जाते हैं पीछे की तरफ एंड दिस इज नोन एज सेरेटस एंटीरियर। इस मसल का नाम है सेरेटस एंटीरियर। और ये सारे स्ट्रक्चर कवर है किससे? एक फेशिया से जिसका नाम है डीप फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड जो होती है, अगर आप डिसेक्शन करोगे तो आपने स्किन हटाया, क्लियर। स्किन के बाद जो मेमरी ग्लैंड का टिश्यू था वो हटाया, ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया? डीप फेशिया। आपने जब डीप फेशिया हटाया तो आपको नीचे एंटीरियर चेस्ट वॉल में कितनी मसल मिलती है? तीन। क्या क्या नाम? पेक्टोरलिस मेजर, एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड सेरेटस एंटीरियर। तो जब भी कोई अगर आपको पूछे विच मसल फॉर्म द बेड ऑफ मेमरी ग्लैंड, तो ये तीन मसल आपको मेनली बोलनी, कौन कौन सी? पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब हम बात करेंगे स्किन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो जो स्किन है मेमरी ग्लैंड की, इस स्किन पे आपको जब आप सरफेस मार्किंग करते हो तो आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलते हैं। जो पहला फीचर है एंड दैट इज नोन एज निप्पल, व्हाट इज दैट? निप्पल। और जो दूसरा फीचर है दैट इज नोन एज एरियोला। तो जब भी हम स्किन ऑफ मेमरी ग्लैंड देखेंगे हमारे को ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है, वन इज निप्पल एंड वन इज एरियोला। इन दोनों के साथ क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों के अंदर हेयर्स नहीं होते, देयर इज नो हेयर एंड इसमें फैट नहीं होता, देयर इज नो फैट इन दिस एरिया ऑफ स्किन ऑफ द ब्रेस्ट दैट इज निप्पल एंड एरियोला, ठीक है। अब ये जो निप्पल है ये क्या चीज होती है? तो निप्पल इज ए कॉनिकल प्रोजेक्शन, निप्पल इज ए कॉनिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। और इस निप्पल के चारों ओर, दिस निप्पल इज सराउंडेड बाय ए पिगमेंटेड एरिया एंड दिस पिगमेंटेड एरिया इज नोन एज एरियोला, ठीक है। तो अगर इसको सामने से देखोगे तो ये एरियोला है और इसके बीच में यहां पे ये निप्पल है और ये जो है एरियोला ही पिगमेंटेड होता है, क्लियर। अब ये जो निप्पल है, इस निप्पल में दो तरीके की मसल मिलती है हमें, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। जो सर्कुलर मसल्स होती हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, दोनों क्या है? स्मूथ मसल है। दीज बोथ आर स्मूथ मसल्स विच आर प्रेजेंट इन द निप्पल और इनकी वजह से क्या होता है? निप्पल का इरेक्शन एंड कंस्ट्रिक्शन, निप्पल की फ्लैटनिंग होती है और इरेक्शन होता है। फ्लैटनिंग कराता है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये निप्पल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाता है और फ्लैटनिंग हो जाती है, और जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इट कॉजेज द इरेक्शन ऑफ द निप्पल, क्लियर। दूसरी चीज क्या है कि ये जो एरियोला है, ये एरियोला का जो पिगमेंटेशन है, ये पिगमेंटेशन प्रेगनेंसी के साथ इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली ये पिंक कलर का होता है बट विद द प्रेगनेंसी ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो इररिवर्सिबल होता है, यानी एक बार अगर एरियोला में डार्कनेस आ गई तो उसका कलर वापस से वही जो पहले पिंकिश कलर था वो नहीं हो पाता, ठीक है।
दूसरी चीज क्या है कि यहां पे इस पिगमेंटेड एरिया में, एरियोला में कुछ सिबेशियस ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? सिबेशियस ग्लैंड्स होती है। अब ये सिबेशियस ग्लैंड कहां है? इस एरिया में, इस एरियोला में। ये सिबेशियस ग्लैंड एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी एनलार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? एनलार्ज। और ये एनलार्ज सिबेशियस ग्लैंड क्या कहलाती है? दे आर नोन एज मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल। दे आर नोन एज मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल और ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी। ठीक है, जो आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो। ठीक है, ये जो मोंटगोमेरी ट्यूबरकल है क्या है? दीज आर मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ एरियोला। क्लियर? अब ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? इनका फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन इज दैट ये ग्लैंड्स यहां पे ऑयली सिक्रीशन लेके आती हैं। कहां पे? इस निप्पल के चारों। क्योंकि क्या होता है कि जब बेबी को आप लैक्टेशन कराना शुरू करते हो, सो एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन देर आर चांसेस ऑफ क्रैकिंग। ठीक है, ये जो निप्पल है ये क्रैक हो जाता है बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस। सो नेचर ने क्या किया? नेचर ने किया कि एक आपको ये जो ग्लैंड है, ग्लैंड से ऑयली सिक्रीशंस निकालने शुरू किए। ये जो ऑयली सिक्रीशन है ये इस निप्पल को मॉइस्ट रखते हैं और उसको क्रैक होने से रोकते हैं। ठीक है, सो निप्पल सॉफ्ट रहता है और वो क्रैक नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ दीज मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल। और ये मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल क्या है? दीज आर द मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ एरियोला। एंड इनका फंक्शन क्या है कि ये निप्पल को क्रैक होने से रोकते हैं बाय देयर ऑयली सिक्रीशन। क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट द निप्पल एंड एरियोला। अब हम बात करेंगे पैरेन्काइमा ऑफ मेमरी ग्लैंड। सो इसके अंदर आप तीन चीजें पढ़ोगे, एक तो हो गया फैट, दूसरा हो गया फाइब्रस टिश्यू और तीसरा हो गया ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, फैट जो होता है ये मेमोरी ग्लैंड को शेप प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द शेप ऑफ द ब्रेस्ट ब्रेस्ट। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू क्या है? फाइब्रस टिश्यू एक्चुअली सपोर्टिंग टिश्यू होता है एंड ये जो फाइब्रस टिश्यू होता है ये थिक हो जाता है, इट विल फॉर्म द बैंड्स, बैंड्स बनाता है। और ये जो बैंड्स होते हैं ये बैंड्स पूरे मेमोरी ग्लैंड को लोब्स में डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं? लोब्स में। और मेमोरी ग्लैंड में कितने लोब होते हैं? 15 से 20, 15 to 20 लोब्स। अब आप जब इस फाइब्रस टिश्यू को देखते हो तो ये आपका है स्किन, क्लियर, और यहां पे है ये डीप फेशिया। इस डीप फेशिया के नीचे क्या है? मसल है, पेक्टोरलिस मेजर। अब ये जो फाइब्रस टिश्यू होता है, ये फाइब्रस टिश्यू जो डर्मिस है, डर्मिस से लेके इस डीप फेशिया तक इस तरह से एक्सटेंड रहता है, ये क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज फाइब्रस बैंड और फाइब्रस स्ट्रैंड्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये फाइब्रस स्ट्रैंड्स को हम एक नाम देते हैं, दीज आर नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। तो जब भी आप मेमोरी ग्लैंड पढ़ते हो आपके पास हमेशा ये नाम आता है, लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर डर्मिस को और ओवरलाइंग स्किन को अंडरलाइंग डीप फेशिया से कनेक्ट करता है, इट इज ए एंकरिंग टिश्यू। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अगर ये लिगामेंट टाइट हो जाए, टाइट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द कैंसर सेल्स। अगर कैंसर सेल्स इन लिगामेंट के अंदर इनफिल्ट्रेट कर ले तो ये लिगामेंट टाइट हो जाते हैं और उसकी वजह से ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये इस डीप फेशिया पे फिक्स हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो अभी आप यहां देखोगे कि यहां पे ये रिट्रो मेमोरी स्पेस है, क्लियर, तो ये आपकी सुपरफिशियल फेशिया के लिए है और ये रिट्रो मेमोरी स्पेस को पियर्स करते हुए कहां जा रहे हैं? डीप फेशिया पे जा रहे हैं। क्लियर, तो जब इन लिगामेंट्स के थ्रू कैंसर सेल्स यहां पे आ जाती हैं और ये पूरा एरिया कैंसर सेल से भर जाता है और ये लिगामेंट टाइट होने लगते हैं तो जो मोबिलिटी थी वो मोबिलिटी लॉस्ट हो जाती है और मेमोरी ग्लैंड एंटीरियर चेस्ट वॉल पे फिक्स हो जाती है।
ठीक है। तो जब भी आप कार्सिनोमा ऑफ मेमोरी ग्लैंड का केस पढ़ते हो तो उसमें कई बार ये लाइन लिखी आती है दैट द फीमेल लॉस्ट द मोबिलिटी ऑफ दिस मेमोरी ग्लैंड ऑन द एंटीरियर चेस्ट वॉल। ठीक है, इसीलिए अगर आप डे टू डे लाइफ में देखोगे तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि मेमोरी ग्लैंड का सेल्फ मोबिलिटी टेस्ट एक फीमेल को करते रहना चाहिए बिकॉज टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ दिस प्रॉब्लम। बिकॉज अगर वो मेमोरी ग्लैंड में कैंसर सेल्स डेवलप हो रही हैं, तो डेफिनेटली विद द टाइम द मोबिलिटी विल डिक्रीज एंड दैट एंड द रीजन इज दैट दिस लिगामेंट ऑफ कूपर्स बिकम टाइट। और ये लिगामेंट ऑफ कूपर किसको कनेक्ट कर रहे हैं, इस डीप फेशिया को इस स्किन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड दीज लिगामेंट ऑफ कूपर आर पासिंग थ्रू दिस रेट्रो मेमोरी स्पेस टू रीचिंग टू दिस डीप फेशिया। क्लियर, तो ये वाली बात हुई हमारी कि ये जो फाइब्रस टिश्यू होता है इस फाइब्रस टिश्यू के क्या कैरेक्टर है। तो फाइब्रस टिश्यू एक तो इसको लिगामेंट ऑफ कूपर होते हैं, दूसरा है लोब्स में डिवाइड करता है जो 15 से 20 लोब होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्लैंडुलर कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड की। तो ग्लैंडुलर कंपोनेंट में आपको सबसे पहले ये जानना है कि इसमें जो ग्लैंड है वो कौन से वैरायटी की है, तो वो है ट्यूबुलो एल्वियोलर। ट्यूबुलो एल्वियोलर का मतलब ये हुआ कि एक जो बंच होगा उसमें आपको ये ट्यूब्स भी मिलेंगी और इस तरीके के एल्वियोलाई भी मिलेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ ये इस तरीके के इलॉन्गेटेड सेल्स ग्लैंड होती तो क्या कहलाते हैं हम, सिंपल ट्यूबुलर, और अगर सिर्फ एल्वियोलाई होती तो कहलाती है एल्वियोलर। बट मेमोरी ग्लैंड में हमें दोनों शेप की एल्वियोलाई मिलती है, एसिनाई मिलती है, सिक्रेटरी पोर्शन मिलता है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, कौन सी वेराइटी है ये, ट्यूबुलो एल्वियोलर टाइप ऑफ द ग्लैंड। अब आपको अभी मैंने बताया कि मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 लोब होते हैं। ठीक है, हर लोब को ड्रेन करने के लिए एक डक्ट होती है, उस डक्ट का नाम होता है लैक्टिफेरस डक्ट। ये डक्ट जैसे जैसे निप्पल की तरफ जाती है एक डायलेटेशन बनाती है जिसको बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस, और फिर ये निप्पल के ऊपर जाके ओपन हो जाती है एम्पुला में। तो इस तरीके से हर एक लोब की एक अपनी डक्ट होगी। तो 15 से 20 लोब है तो कितनी डक्ट होनी चाहिए हमारे पास, 15 से 20 डक्ट होती है। तो इस तरीके की 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट होती है, और ये जो लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, इनकी लाइनिंग जब आप देखोगे, यहां जब लाइनिंग एपिथेलियम चेक करोगे तो ये लाइनिंग एपिथेलियम क्या होती है, टू लेयर्स ऑफ लाइनिंग एपिथेलियम। सो एक सेल लेयर ये है और एक और ये है, सो इट इज ए स्ट्रेटिफाइड वेराइटी ऑफ क्यूबॉइडल और लो कॉलमनर सेल्स मिलती है इसमें। ठीक है, इस तरीके की लाइनिंग एपिथेलियम होती है। और ये जो डक्ट सेल्स, ये जो लार्ज डक्ट होती हैं, दीज आर एक्चुअल साइट ऑफ द डक्टल कार्सिनोमा। तो कई बार जो कार्सिनोमा है मेमोरी ग्लैंड में, अगर वो डक्ट से अराइज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डक्टल कार्सिनोमा। और ये डक्टल कार्सिनोमा कहां से अराइज होता है, लार्ज डक्ट्स की इन एपिथेलियम से। ठीक है, और ये सब किस पे खुल गए, ये यहां पे ही सारे एम्पुला में खुल गया, और एम्पुला किस पे खुल गया, निप्पल पे खुल जाता है, और इसके चारों ये एरिया क्या कहलाया, एरियोला। तो ये निप्पल है और ये एरियोला है। तो जो हमारा लैक्टिफेरस साइनस है, ये साइनस का लोकेशन कहां होगा, इन बिलो द एरियोला। ठीक है, तो जब आप इसका ग्लैंडुलर पोर्शन देखते हो तो ग्लैंडुलर पोर्शन ट्यूबुला एरियोलर है, 15 से 20 लोब्स में डिवाइड होता है, हर लोब को ड्रेन करने के लिए एक लैक्टिफेरस डक्ट होती है, ये लैक्टिफेरस डक्ट एरियोला के एरिया में लैक्टिफेरस साइनस बनाती है, साइनस एम्पुला में खुलते हैं और वहां से निप्पल पे ओपनिंग हो जाती है। अब ये जो लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, ये जो डक्ट्स होती हैं, इन डक्ट्स में बहुत सारी सेगमेंटल डक्ट्स आके खुलती हैं। क्या खुलती हैं, सेगमेंटल डक्ट्स आके खुलती हैं इस तरीके से, और हर सेगमेंटल डक्ट के टर्मिनल्स पे बहुत सारे इस तरीके से एल्वियोलाई सिक्रेटरी एसिनाई होते हैं। और ये जो सिक्रेटरी एसिनाई और एल्वियोलाई होते हैं, ये इस तरीके से इनके चारों मायोएपिथेलियल सेल्स भी होती हैं, और मायोएपिथेलियल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो इन सेगमेंटल डक्ट्स के थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट में आता है, वहां से ये साइनस में आके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर निप्पल के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये जब आप मेमोरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर पार्ट
या उसका जो कंपोनेंट पढ़ते हो, तो ये हार्मोनल इफेक्ट के अंदर काम करता है। ठीक है, तो जब आप नॉन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड देखोगे तो उसमें आपको ये ट्यूबुलो एल्वियोलर पैटर्न नहीं मिलता, वहां तो सिर्फ ब्लाइंड एंड डक्ट्स मिलती है। डक्ट्स हैं, इनके ब्लाइंड एंड्स हैं, बस ये डक्ट्स हैं और इनके ब्लाइंड एंड्स हैं और इनके ये ब्रांचेज हैं। ठीक है, इनके एंड्स पे ये एल्वियोलर पैटर्न डेवलप नहीं होता है बिकॉज वो नॉन लैक्टेटिंग मेमोरी टिश्यू है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। नाउ यू हैव द टू मोर टर्म्स, वन इज नोन एज कोलोस्ट्रम, वन इज कोलोस्ट्रम एंड अनदर टर्म इज विचेस मिल्क। देखो इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में बेसिक फर्क ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये तो मदर का कंपोनेंट है। ठीक है, यानी कोलेस्ट्रॉल का सोर्स क्या है, मदर। ठीक है, और विचेस मिल्क जो है ये जो बेबी है उसके ब्रेस्ट से आता है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं यहां बहुत स्पेसिफिक कर रहा हूं कि विचेस मिल्क सिक्रेट्स फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द बेबी, वाइल द कोलेस्ट्रॉल इज ए नॉर्मल, जो हम लैक्टेशन की बात कर रहे हैं उसमें जो अर्ली फेज में मिल्क आता है इन द फर्स्ट 4-5 डेज फ्रॉम द मदर ब्रेस्ट, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का स्पेसिफिकली अगर आप बात करो तो कोलेस्ट्रॉल इज हैविंग फुल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, इसके अंदर फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स बहुत ज्यादा होती है एंड ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें फैट कॉम्पोनेंट बहुत कम होता है और विद द टाइम धीरे धीरे क्या होता है, फैट कंपोनेंट बढ़ता जाता है और इम्यूनोग्लोबुलिन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कम हो जाते हैं। विचेस मिल्क क्या है, विचेस मिल्क जो है मैटरनल ईस्ट्रोजन जो होती है वो मैटरनल ईस्ट्रोजन प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये मैटरनल ईस्ट्रोजन जो बेबी डेवलप हो रहा है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो मैटरनल ईस्ट्रोजन है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो अंदर एम्ब्रियो में फीटस डेवलप हो रहा है उसकी मेमोरी ग्लैंड में थोड़ा बहुत सिक्रीशन क्रिएट करता है और जो बेबी न्यूबॉर्न बेबी हमारे पास आता है उस न्यूबॉर्न बेबी के ब्रेस्ट से एक हल्का सा डिस्चार्ज क्रिएट हो रहा है। ये जो डिस्चार्ज है जो उस बेबी के ब्रेस्ट से आ रहा है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, बोथ सेक्स किसी भी सेक्स का हो सकता है। उस बेबी के ब्रेस्ट से आने वाला जो डिस्चार्ज है दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ मैटरनल ईस्ट्रोजन, क्या कहलाता है, विच इज मिल्क। क्लियर? तो यहां पे ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इट इज ए अर्ली फेज ऑफ द लैक्टेशन में जो मदर से जो मिल्क आ रहा है उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, विच इज फुल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड फैगोसाइटिक सेल्स। एंड जो विच इज मिल्क है वो irrespective to the sex, ठीक है, बेबी कोई सा भी हो सकता है मेल और फीमेल, उसके ब्रेस्ट से जो डिस्चार्ज हो रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ मैटरनल ईस्ट्रोजन जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में आए हैं उन ईस्ट्रोजन मैटरनल ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में ये डिस्चार्ज होता है और जैसे जैसे मैटरनल ईस्ट्रोजन बेबी की बॉडी में कम होने लगते हैं धीरे धीरे ये डिस्चार्ज अपने आप बंद हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द कोलेस्ट्रॉल एंड विच इज मिल्क। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो जब भी हम ब्लड सप्लाई की बात करेंगे देयर आर थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ ब्लड सप्लाई। पहला सोर्स है एक्सिलरी आर्टरी, पहला सोर्स है एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। दूसरा सोर्स होता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और तीसरा सोर्स होता है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। तो जब भी आप मेमोरी ग्लैंड पढ़ते हो आपको तीन सोर्स ऑफ ब्लड याद रखना है। अब एक्सिलरी आर्टरी जो है इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी ब्रांचेस, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, लैटरल थोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी। ये जो तीन आर्टरी हैं मेजरली सुपीरियर एंड लैटरल थोरेसिक ये एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं जो मेमोरी ग्लैंड को आउटर पार्ट में सप्लाई कर रही है, अपर एंड आउटर। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो होती है ये अगर आप डिसेक्शन करोगे तो आपको जब आप रिब्स तक पहुंच जाओगे तो अगर हम रिब्स को काट के अगर अंदर थोरेसिक कैविटी में जाएंगे तो थोरेसिक कैविटी में चेस्ट वॉल के
बिल्कुल एडजेसेंट इनसाइड द रिब्स, ठीक है, आपको ये आर्टरी मिलती है, दैट इज नोन एज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इसीलिए इसको नाम दिया इंटरनल, इट इज इनसाइड द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो कहां मिली हमें आर्टरी, कि आपने स्किन हटा दी, आपने मसल्स हटा दिए, अब मसल्स हटाने के बाद आपको रिब्स मिल गए, अब अगर आप उन रिब्स को काटोगे तो रिब्स को काटने के बाद स्टर्नम के पैरेलली राइट और लेफ्ट दोनों साइड में आपको इंटरनल थोरेसिक आर्टरी नजर आती है। तो इसकी जो ब्रांचेस आगे की तरफ आ रही है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की जो ब्रांचेस इंटरकोस्टल स्पेस से होती हुई डीप फेशिया को पियर्स करके सुपरफिशियल स्पेस में जो आ रही है, वो आर्टरीज, दीज आर नोन एज एंटीरियर परफोरेटिंग ब्रांचेस, एंटीरियर परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक, क्लियर। एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल पीछे से आ रही, पोस्टीरियर मतलब पीछे से, और ये इंटरकोस्टल स्पेस में जो आर्टरी पीछे से आगे आई वो क्या कहलाई, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी देती है लैटरल ब्रांचेस, क्या देती है, लैटरल ब्रांचेस, जो लैटरल वॉल से बाहर निकल के और ब्रेस्ट को सप्लाई करती है, क्लियर। तो आपके पास कितने सोर्स हो गए, आपके पास तीन सोर्स हो गए, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांचेस एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की ब्रांचेस। एंटीरियर एक्सिलरी आर्टरी की तीन ब्रांचेस हैं, जिसमें से सुपीरियर लैटरल थोरेसिक का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस होती है, और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की लैटरल ब्रांचेस हैं जो कि आपके मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करती है, ठीक। सो दीज आर द थ्री मेजर सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वीनस ड्रेनेज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। देखिए वीनस ड्रेनेज को आपको ध्यान से समझना है, वीनस ड्रेनेज में क्या है कि ये जो हमारी मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, इस मेमोरी ग्लैंड में ये एरियोला है, इस एरियोला के नीचे एक वीनस प्लेक्सस बनता है, इस एरियोला के नीचे एक वीनस प्लेक्सस बनता है, दिस इज नोन एज वीनोसस, दिस इज नोन एज वीनोसस सर्क्यूलरिस और सर्कल ऑफ वेन्स, ठीक है। अब ये जो सर्कल ऑफ वेन है या वीनोसस सर्क्यूलरिस है, यहां से जो भी वेन्स निकलेंगी वो तीनों आर्टरीज को फॉलो करेंगी, यानी एक एक्सिलरी वेन हो जाएगी एक्सिलरी आर्टरी की तरह, एक इंटरकोस्टल वेन हो जाएगी, ठीक है, और एक इंटरनल थोरेसिक वेन हो जाएगी। हमारे पास तीन आर्टरी थी, एक्सिलरी आर्टरी, इंटरनल इंटरकोस्टल आर्टरी एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, तो आर्टरीज के अलोंग ही वेन्स है, क्लियर। अब होगा क्या कि ये जो आपका वीनस है, वीनस प्लेक्सस है, इस वीनस सर्कुलर वीनस प्लेक्सस से जो वेन्स निकलेंगी ये रेडिएट करेंगी, तो जो लैटरल में गई ये तो गई एक्सिलरी वेन में, ये कहां गई, दे विल गो इनटू द एक्सिलरी वेन, क्लियर। और जो वेन इधर की तरफ रेडिएट कर रही है दे विल गो इनटू द इंटरनल थोरेसिक वेन, ये कौन सी वेन है, इंटरनल थोरेसिक वेन, क्लियर। एक साइड होता है डीप वेन्स का, डीप वेन्स जो होती हैं वो डीप वेन्स किधर गई, दे विल गो इनटू द इंटरकोस्टल वेन्स, ये जो मैं सी शेप बना रहा हूं दीज आर इंटरकोस्टल वेन्स, ठीक है। तो आपको तीन वेन्स मैंने बताई, एक तो हो गई इंटरनल थोरेसिक वेन, एक हो गई एक्सिलरी वेन, एक हो गई इंटरकोस्टल वेन, क्लियर। इन वेन्स में से ब्लड कहां से आ रहा है, इस वीनस प्लेक्सस से, और ये जो वीनस प्लेक्सस है इसका नाम, चूंकि सर्कुलरली अरेंज्ड है इसलिए इसका नाम हो गया सर्कुलर वीनस प्लेक्सस और वीनोसस सर्कुलरिस। अब ये जो इंटरकोस्टल वेन होती है इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो इंटरकोस्टल वेन है, ये इंटरकोस्टल वेन पोस्टीरियरली अजाइगस वेन में खुलती है। एक वेन है हमारे पास चेस्ट वॉल में, उसका नाम क्या है, अजाइगस वेन, ठीक है। तो ये इंटरकोस्टल वेन गई और ये हो गई आपके अजाइगस वेन, ठीक है। इस इंटरकोस्टल वेन में क्या आ रही है, मेमोरी ग्लैंड से वेन आ रही, ठीक है, और ये वेन कहां जाके खुल गई, अजाइगस वेन में, क्लियर। अब ये जो अजाइगस वेन है ये हमारे पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पे होती है, अजाइगस वेन कहां होती है, पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पे, और पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पे यानी
पोस्टीरियर चेस्ट वॉल भी सेंटर में हमारे पास क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, तो ये वर्टिब्रल कॉलम है, क्लियर। और वर्टिब्रल कॉलम के यहां पे राइट साइड में ये आ जाएगा स्पेन। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होती है कैनाल, तो अगर आप वर्टिब्रा ड्रॉ करोगे तो ये वर्टिब्रा है आपकी, क्लियर, और ये वर्टिब्रल कैनाल है, क्लियर, और ये यहां पे ये आपकी आगे की तरफ वर्टिब्रल बॉडी है, क्लियर। इस वर्टिब्रल कैनाल में एक वीनस प्लेक्सस होता है, दैट इज नोन एज इंटरनल वीनस वर्टिब्रल प्लेक्सस। ये जो प्लेक्सस है ये प्लेक्सस क्या कहलाया है, इंटरनल वीनस प्लेक्सस, क्योंकि ये अंदर की तरफ, इंटरनल वीनस प्लेक्सस ऑफ बेस्टन, इंटरनल वीनस प्लेक्सस ऑफ बेस्टन, ये कहां मिलता है, वर्टिब्रल कैनाल के अंदर की तरफ। ये रहेगा स्वेन इस वर्टिब्रल इंटरनल वीनस प्लेक्सस के साथ कनेक्टेड रहती है, और ये पूरी वर्टिब्रा में है, तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये ऊपर किसके साथ कनेक्ट है, ये स्कल आ गया हमारा, ठीक है, और इसके अंदर जो प्लेक्सस है ये प्लेक्सस यहां पे ड्यूरल वीनस साइनस होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, ड्यूरल वीनस साइनस, ड्यूरा मैटर की एक लेयर होती है मेनिंजियल ड्यूरा मैटर, तो जहां पे ड्यूरा मैटर इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है तो ड्यूरा मैटर के बीच में गैप क्रिएट होता है जिसमें वीनस ब्लड होता है, इस एरिया को कहते हैं ड्यूरल वीनस साइनस, इस एरिया को क्या कहते हैं, ड्यूरल वीनस साइनस। ये वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस इस ड्यूरल वीनस साइनस के साथ कम्युनिकेट कर जाता है, ठीक है। तो मेरा ये बताने का पर्पज ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि कई बार कैंसर सेल्स, कौन सी सेल्स, कैंसर सेल्स, ये कैंसर सेल्स ब्रेस्ट से माइग्रेट करना शुरू करती है जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, और ये सेल्स इस डीप वेन के थ्रू इंटरकोस्टल वेन में आ जाती है। ये इंटरकोस्टल वेन से अजाइगस वेन से होती हुई इसके इस कनेक्शन से होती हुई इस वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में आ जाती है, इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस, और यहां से ये इसके अंदर असेंड कर जाती है और जो कैंसर सेल्स हैं वो क्रेनियल कैविटी के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। तो और साथ ही ये कैंसर सेल्स इस वर्टिब्रल बॉडी के अंदर भी चली जाती है, ठीक है, और नीचे सैक्रम में भी चली जाती है। तो कई बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि जनरली हम आगे पढ़ेंगे कि जब भी हम कैंसर सेल्स का माइग्रेशन देखते हैं, जब भी हम कैंसर सेल का माइग्रेशन देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम माइग्रेशन कैंसर सेल का लिम्फ के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, लिम्फ के थ्रू होता है। लेकिन इस केस में, इन केस ऑफ दिस मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जो माइग्रेशन है वो लिम्फेटिक्स के थ्रू या लिम्फ नोड्स के थ्रू तो होता ही है, वो हम एक सेपरेट इश्यू है, लेकिन इन केस ऑफ द क्रेनियल कैविटी, बोन्स, सैक्रम, रूट क्या है, वीनस रूट है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ द कैंसर सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड माइग्रेट टू द वर्टिब्रल कॉलम और इनटू द क्रेनियल कैविटी। तो आपको ये कनेक्शन याद रखना है कि जो सर्कुलर वीनस प्लेक्सस है वहां से जो डीप वेन निकलती है वो इंटरकोस्टल वेन में जाती है, इंटरकोस्टल वेन अजाइगस वेन के थ्रू कनेक्टेड रहती है वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस से, और ये जो इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस होता है ये ऊपर क्रेनियल कैविटी में एंटर होके आपके ड्यूरल वीनस साइनस के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो कैंसर सेल्स इस पाथ के थ्रू कहां चली गई, वर्टिब्रल बॉडी में चली गई, इस इंटरनल वीनस प्लेक्सस के थ्रू क्रेनियल कैविटी के अंदर चली गई। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ द माइग्रेशन ऑफ कैंसर सेल्स, क्लियर। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड ब्लड सप्लाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड। थैंक यू।